जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है तो कंपनी की ओर से उसका CTC कॉस्ट टू कंपनी तय किया जाता है। कर्मचारी अपना सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनवा सकते हैं कि टैक्स का बोझ कम हो जाए। आपकी बेसिक सैलरी CTC के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं बहुत काम की बातें। अगर आप जॉब करते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जानकारी अहम है। अब बात करते हैं कैसे। बेसिक सैलरी और अलाउंस। बेसिक सैलरी हमेशा कर योग्य होती है। सलाह ये है कि CTC के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि बेसिक सैलरी कम रखने से वेतन के अन्य घटक कम हो जाएंगे। HRA, LTA और मेडिकल भत्ते जैसे कुछ अलाउंस कुछ शर्तों के आधार पर टैक्स फ्री हो सकते हैं। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट EPF, PPF, NCC और ELSS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से आयकर की धारा 80 के तहत पर्याप्त टैक्स की कटौती मिल सकती है। सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग। नियोक्ता की अनुमति से ज़्यादा टैक्स फ्री अलाउंस और बेनिफिट्स शामिल करने के लिए सैलरी रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए HRA ज़्यादा रखवा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा और टैक्स में भी आपको राहत मिल सकती है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट। कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत के आधार पर टैक्स फ्री फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, फूड वाउचर या कार अलाउंस भी शामिल है। ऐसा करने से आपको टैक्स में राहत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप बात करके इस तरह की फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ले सकते हैं। बोनस और अनुलाभ। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस और कंपनी द्वारा दिया गया घर, वाहन या क्लब मेंबरशिप जैसे नॉन मॉनेटरी प्रोडक्टिविटी अनुलाभ के लिए नेगोशिएशन करने पर विचार कर सकते हैं। सही टैक्स व्यवस्था चुनें। अपने सैलरी स्ट्रक्चर में धारा 80 की कटौती और छूटे गए लाभों को उठाने के लिए करदाताओं के लिए पुरानी कर व्यवस्था बेहतर है। जैसे कि HRA क्लेम करना, CTC का एक भाग रीएम्बर्समेंट के रूप में प्राप्त करना। लेकिन जो करदाता कर बचत उपकरणों में निवेश करना पसंद नहीं करते और आय से किसी छूट के पात्र नहीं हैं, वे नई कर व्यवस्था की कम स्लैब दरों को चुन सकते हैं। सैलरीड लोग हर साल पुरानी या नई कर व्यवस्था के बीच स्विच करना चुन सकते हैं। ऐसा करने से आपको टैक्स में राहत ज़रूर मिलेगी। तो ये बेहद ख़ास टिप्स हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी और अलाउंस, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, बोनस और अनुदान। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको राहत दे सकते हैं।